नमस्कार मेरी माता और मेरी बहनों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं वृश्चिक राशि की समस्त महिलाओं के बारे में कि इनके कौन कौन सी राशियों के पुरुषों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, चाहे वो शादी के संबंध हो या दोस्ती के हो या लव लाइफ के हो या बिजनेस पार्टनर के हो या अदर कैसे भी संबंध हो। तो वो ऐसी चार राशियां हैं जिनके साथ वृश्चिक राशि की महिलाएं यदि संबंध बनाती हैं तो जीवन खुशहाल रहता है। तो वो चार राशियां कौन कौन सी, इस बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं और जो इनके पैर होते हैं वो रजत के होते हैं। यदि मेरी माता बहनों आपके नाम का इनमें से कोई सा पहला अक्षर आता है तो समझो कि आपकी वृश्चिक राशि है। जैसे कि तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी और यू, ये नौ अक्षर वृश्चिक राशि में आते हैं। यदि इनमें से आपके नाम का पहला अक्षर मिलता है तो समझो कि आपकी वास्तव में ही वृश्चिक राशि है। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, चाहे आपके रिश्ते किसी भी राशि के साथ बन चुके हैं या किसी भी पुरुष की राशि के साथ आपके संबंध बनने जा रहे हैं या जीवन में किसी पुरुष के साथ आपके संबंध भविष्य में बन जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, रिश्तों को बनाने के लिए, रिश्तों को चलाने के लिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, रिश्तों में विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, कभी आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए और एक दूसरे की बातों को सम्मान देना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके रिश्ते चलते हैं। लेकिन मैं खास बात आज ये बताना चाहता हूं कि 12 राशियों में से कुछ राशियां ऐसी होती है जो मित्र राशियां होती हैं जिनके साथ बनाए हुए संबंध बहुत ही अच्छे रहते हैं और बहुत ही मजबूत रहते हैं। कुछ राशियां शत्रु राशियां होती हैं, यदि उनके साथ संबंध आपके बनते हैं तो वो जीवन में रिश्ते नहीं चल पाते, उन्हें मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा या बहुत जल्दी तलाक, डिवोर्स जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं। तो मैं इसी पर ही खास बात और चर्चा करने वाला हूं। ऐसी वो चार राशियां हैं, यदि वृश्चिक राशि की महिलाएं इन चार पुरुषों के साथ, इन चार राशियों के साथ अपने संबंध बनाती हैं तो जीवन में बहुत ही खुशहाल रहती है। तो वो चार राशियां हैं करक, सिंह, धनु और मीन। यदि वृश्चिक राशि की महिलाएं इन चार राशि के पुरुषों के साथ अपने संबंध जोड़ती हैं, शादी के, लव लाइफ के, बिजनेस के, पार्टनरी के या प्रेम के या अदर कैसा भी संबंध जोड़ती हैं तो वो मजबूत रहते हैं, भगवान के समान होते हैं। एक बात और भी है, यदि स्त्री की भी यानी लड़कियों की भी वृश्चिक राशि है और पुरुष की भी, लड़कों की भी वृश्चिक राशि है, यदि उनकी आपस में संबंध मिलते हैं तो वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे उनमें थोड़ी बहस चलती रहती है, बहस के कारण थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, लेकिन वो दूर नहीं होते, उन्हें प्यार बहुत गहरा होता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ राशि और भी होती है, जैसे कि कर्क। यदि वृश्चिक राशि की महिलाएं हों और कर्क राशि का पुरुष हो, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारा हो, चाहे लड़की शादीशुदा हो या कुंवारी हो, यदि आपस में वृश्चिक राशि की महिलाएं और कर्क राशि के पुरुष आपस में संबंध जोड़ते हैं तो ये बहुत ही कारगर साबित होते हैं, इनमें बहुत गहरा प्यार होता है, लाख लड़ाई हो, मन मुटाव हो, लेकिन कभी दूर नहीं हो सकते, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ये रिश्ते भगवान के समान माने जाते हैं, जैसे सीता राम का, राधे श्याम का, शिव और पार्वती का, विष्णु और लक्ष्मी जी का। तो मेरी माता बहनों, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्टीक भविष्यवाणी पेश करने की कोशिश करता हूँ और सत्य करने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको मेरा बताया हुआ ये टॉपिक अच्छा लगे, ये सत्यवाणी आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यदि आपकी कोई भी जीवन की समस्याएं हैं, जन्म कुंडली, हस्तकरेखा, मस्तक रेखा दिखवाना चाहती है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकती हैं। इसी के साथ मैं पंडित राजगुरु शर्मा अपनी वाणी को देता हूँ विराम और सभी माता बहनों करता हूँ नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी को राजगुरु पंडित का जय हिंद।